दिस इज़ मी सौर श्रीवास्तव. सो फर्स्टली हैप्पी होली. आज है होली, आज है 8 मार्च एंड होली आज. सो हैप्पी होली. और सो कर उठ गई हूँ मैं और मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो रही है, पानी नहीं आ रहा है. हाँ आ रही हूँ. सो पानी आ नहीं रहा है और अब हम लोगों का करना है, पानी भर रहे हैं हम लोग दूसरे के घर की हेल्प से. सो चलो कर लेते हैं ये सारे कामों को डन एंड देन होते हैं रेडी होली के लिए. तैयार होंगे, मेकअप करेंगे, मैंने कुछ हेयर स्टाइल सोची है डिफरेंट. हो पाती तो ठीक है, नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं. चलो लेट्स स्टार्ट. ओके गाइस, सो इस बार टी शर्ट ऐसी बनवाई गई है. एक्चुअली मैं ऐसा होना नहीं था बट हो गया. मैं बताती हूँ आपको क्या हुआ था. बट ऐसी ही पलक दीदी और किट्टू दीदी, मतलब कि किट्स और पल्स की उनके पास है. बाकी हाँ हम सब गर्ल्स के लिए ही बनी है एंड इश और हमारी सबकी भी रखी हुई है, वो भी आकर ले लेंगी. सो या सो एक्चुअली मैं हुआ क्या था, जब टी शर्ट बनने जाती थी जानदी का प्लान था ऐसा इस टी शर्ट का कि वो ऐसी करा दी. तो उन्होंने उनसे बोल दिया था कि ऐसी आप बना दीजिए. सो मेरे भैया हैं, उन्होंने बनवाते हैं हमारे लिए हर साल टी शर्ट, चानी भैया. सो उन्होंने बनाई थी एंड तब तक हमने डिसाइड किया कि ये नहीं करेंगे. सबके पे मेरी पिक्चर होगी, यूट्यूबर लिखा होगा, थोड़ा अजीब रहेगा. सबके पे सबकी पिक्चर्स होंगी और हैप्पी होली लिखा होगा. बट जब मैं लेने गई तो मुझे ये मिला. तो कोई नहीं, अब इस पे ही इसी को सब पहन लेंगे. एंड कल मैं गई थी मंदिर, जैसा कि कल ट्यूसडे था, मैं अब ट्यूसडे को मंदिर जाती हूँ. सो मैंने कुछ लाया था. सो हमने और देव ने सेम शेड्स खरीदे हैं होली के लिए, और होली के एक दिन के लिए ये शेड चाहिए होते हैं बिकॉज उसके बाद ही गंदे हो जाएंगे. सो ये मैंने लिया है, काफ़ी प्यारे लग रहे थे. सो मैंने और देव ने सेम ट्यूनिंग करने के लिए ले लिया. चलो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, गेट रेडी विद मी. मैं करने जा रही हूँ गेट रेडी विद मी. उसके पहले आप लोग मेरे बाल्स देख रहे हैं, बाल्स कह रहे हैं हेयर स्टाइल. सो ये मैंने बहुत मतलब दीदी ने करी, मतलब आइडिया मेरा था. सो मैंने क्या किया था, मेरे पास ना मैंने DIY की, मेरे पास नहीं पड़े थे कि आपको ना पूजा के प्लेस पर मिल जाएंगे. बहुत सीटी बच गई कि पूजा के प्लेस पर मिल जाते हैं आसानी से. और इसको मैंने ऐसे खोल लिया था, ये खोलने के बाद ऐसे हो गए थे सारे और इनके हेल्प से मैंने बना लिया. तुमने बनाया? मतलब हाँ दीदी ने बनाया और आइडिया मिला था. मेरे लिए तो बहुत कठिन था करना, मुझे ऐसे प्लेट्स बनानी आती नहीं है. तो चलो आप सब चलते हैं रेडी होते हैं. तो सो गाइस मैं स्टार्ट तो कर दिया था मेकअप करना बट मुझे आ नहीं रहा है. और अभी मैं अपना मुंह ख़राब कर लूँगी बिना मतलब, कोई फ़ायदा नहीं होगा. मैंने मेकअप बहुत ज़्यादा लेकर बैठी थी ये सब पूरा बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ है. और मैंने थोड़ा क्रीम व्रीम लगाया, लोशन लगाया और उसके बाद अब मैं नहीं लगा पा रही कुछ. दीदी करेंगी मेकअप, तब भी आप लोग देखिएगा ना कैसे होता है ऐसे. Thank you.
ओके गाइस, पता नहीं क्यों टाइम लैप्स है ना, बहुत ज़्यादा मतलब स्किन मेरी फटी फटी अजीब सी दिख रही थी। सो मेरे पास ये सब लिपस्टिक्स हैं और भी बहुत सारी हैं मतलब मेरे पास, बट मैं इन सारी में से ना हमेशा एक ही लिपस्टिक लगाती हूँ, वही वाली जिसमें लाइट ब्राउन में है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। एक लिपस्टिक मतलब मैं ना जुगाड़ करके लिपस्टिक लगाना पसंद करती हूँ हमेशा, और वो एक लिपस्टिक गायब हो रही है जो मुझे चाहिए रहती है। पिंक वाली नहीं दिख रही है, कहाँ गायब थी तुम्हें एक बार? देखो मीटू ने बहुत प्यारा सरप्राइज दिया है उसने, सेम कहाँ तुम्हें, तुम्हारी तो नहीं बनी थी, पापा ने दी। वाह अच्छा चाहिए, मैंने बनवाई होगी, इतना सो हैप्पी। चलो हम लोग पिक्स लेते हैं, लेट्स गो। अपने स्पीकर छिड़काओ ये। या गाइस, सब लोगों ने गाना बजा रखा है, आई एम सो स्केयर्ड ऑफ कॉपी राइट, एंड मैं सिर्फ बची हुई हूँ, बाकी सबने बहुत गंदा कलर लगाया है, और सबके टी शर्ट मत गंदी करो, अभी मुझे ग्रुपिंग लेनी है यार, अभी देखिए मत लगाओ। पता है मतलब मैंने टी शर्ट जो है जानवी दीदी, पलक दीदी, गौरव दीदी, मीठू, ईश्वर दीदी, मतलब सबके लिए कराई थी, और अभी सब गायब है, मुझे ग्रुपिंग चाहिए। बट अच्छा किड्स किड्स, शो योर टी शर्ट, किड्स शो योर टी शर्ट, ये सबके लिए बनवाई, बट सब गायब है। इतनी रिक्वेस्ट के बाद तुमने ग्रुपिंग ली है, कैसी भी आई हो, आई एम गोना अपलोड इट, मैं उसे पोस्ट कर दूंगी, और बार बार गाना चल रहा है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.
मॉर्निंग यू गाइज, दिस इज द नेक्स्ट डे. और ये होली के बाद, मतलब मैंने सबने होली होली बहुत ज़्यादा खेली थी, बट हाँ मैंने इस बार कलर से बिल्कुल होली नहीं खेली थी, इतनी सी भी नहीं, क्योंकि कलर मेरे स्किन पे बहुत हार्म कर जाता है. उसके बाद वो एक दिन की होली बहुत दिन का झेलना हो जाता है मेरे लिए, सो मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था. बट होली में बहुत मज़ा आया, एंड इस बार जानू दीदी होली नहीं खेली थी, उनकी तबीयत ख़राब गई थी, सो वो हमारे साथ आई ही नहीं, वो बस एकदम लास्ट में निकली थी. और हो जाता है समटाइम इट्स हैपन, जैसे मेरी दिवाली में होता था, बट उनकी उतनी क्रिटिकल नहीं होती, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती, वो बहुत नाजुक है एक्चुअली. और सो रात में, मतलब हम लोगों ने, सब लोग सो गए थे, हम लोगों ने बहुत अच्छे से खाना खाया, बहुत सारा खाना खाया था, एकदम भूखे थे सब. और उसके बाद हम लोग गए सो, सब लोग सोए, एटलीस्ट हम लोग 7:30 तक सोए. उठे हैं हम सब, फिर सब लोग साथ में थे और फिर आपस में बात बात कर रहे थे, फिर हम सब साथ में ही सोए हुए. एंड अब सुबह हुई है और पता है सब बहुत लड़ाई कर रहे थे आपस में अभी, मतलब नो मैं नहीं करी थी, बट हाँ सारी दीदी इतनी लड़ाई इन्होंने की. उसके बाद हम लोगों ने कुछ बनाया नाश्ता वास्ता. इसके बाद अगर मैं कहीं जाती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा कल पेपर है एक्चुअली, मैं पढ़ रही थी सुबह से. हाँ हिंदी का पेपर है इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान क्या नहीं दिया, मतलब हिंदी प्रिपेयर रहता है और मैंने थोड़े दिन पहले से ज़्यादा अच्छे से पढ़ लिया था, जैसे कि मैं होली में टाइम दे सकूँ. सो कल मेरा पेपर है, कल स्कूल भी जाना है, बहुत सारी बातें होनी है ना. सो चलो अब कुछ दिखाते हैं, लेट्स गो. सब लोग घर पर ही रुके थे और पता है कोई व्लॉग में नहीं आना चाहता, मतलब सोई मेरी अच्छी नहीं लग रही, मेरे दाना निकला हुआ है, ऐसा है ऐसा है, क्या मतलब इतना क्या सोचना, बट ठीक है. मैंने कहा पल चलो आप व्लॉग में आ जाओ, तो देखो अंदर चली गई है एकदम मेकअप करने. देखा अभी भी नहीं आएंगे, अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे ही रहता है. देखो मैंने भी कुछ नहीं किया है मुंह में ना, तुमने पक्का रंग तुम ही लगाया. मेरी मम्मी कह रही हेयर बैंड लगा के कर लो, मम्मी लाओ मम्मी लाओ. देखिए ये देखिए, मेरी मम्मी को इतना हेयर बैंड से प्यार है, मतलब वो मुझे इतना हेयर बैंड और क्लिप्स दिलाती हैं कि ये लगा लगा के वॉक करो, ये बनाओ, ये फोटो लो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, बट मैं उनके लिए लगा देती. और चलिए अभी हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया, ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं.